सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के बम्हौरी रेगुवा रेलवे फाटक के पास रविवार रात ट्रेन की चपेट में आने से तीन दोस्तों की मौत हो गई। सब रेलवे ट्रैक पर छत बिछत अवस्था में पड़े हुए मिले। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबों का पंचनामा बनाया। सब जिला अस्पताल की मर्सुरी में रखवाए गए हैं। सोमवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ट्रेन दुर्घटना में मृत हुए युवकों की पहचान धर्मेंद्र पुत्र निर्भय सिंह यादव उम्र 26 साल निवासी ढल्ली बरोदिया, संजू पुत्र मनमोहन घोसी उम्र 30 साल निवासी जमुनिया और पप्पू पुत्र राजकुमार यादव उम्र 28 साल निवासी बदौना के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार बम्हौरी रेगुवा रेलवे फाटक के पास बीना कटनी थर्ड रेलवे लाइन पर खंभा नंबर 1045/13 से 1045/17 के बीच ट्रैक पर धर्मेंद्र, संजू और पप्पू थे। इसी दौरान ट्रेन क्रमांक 2088 हीराकुंड एक्सप्रेस खुरई की ओर से आती हुई नजर आई। ट्रेन आती देख तीनों युवक गफलत में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि ट्रेन दूसरे ट्रैक से गुजरेगी, क्योंकि तीसरी लाइन पर बहुत कम ट्रेन आती है, इसलिए वे ट्रैक से हटे नहीं। तभी तेज रफ्तार ट्रेन तीनों युवकों को टक्कर मारते हुए निकल गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि एक युवक के शरीर के चिथड़े उड़ गए। शरीर के टुकड़े रेलवे ट्रैक पर पड़े मिले। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पप्पू यादव गंभीर रूप से घायल हुआ। घटनाक्रम की सूचना पर आसपास के लोग और गेटमैन मौके पर पहुंचे। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने पप्पू को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिवार के लोगों में मातम छा गया। पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर छत बिछत अवस्था में पड़े सबों का पंचनामा बनाया। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। प्राथमिक जांच में मौत का कारण युवकों का ट्रेन की चपेट में आना सामने आया है। मोतीनगर थाना प्रभारी गौरव तिवारी ने बताया कि सबों का पोस्टमार्टम सोमवार को कराया जाएगा। मामले में मर्ग कायम कर जाँच में लिया गया है।